चिट्ठी पते ते आना। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कल्चर श्रेया, और मैं हूँ श्रेया। तो अभी मैं जस्ट कुछ ही देर पहले एक ब्लॉग को दी एंड किया, और अभी मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा है और अब सबसे बात करने का भी मन हो रहा है। तो बस अभी मैं बैठी हूँ बाहर, देख सकते हैं। पेड़ के नीचे बैठी हूँ और अच्छा लगता है दोपहर के टाइम में ऐसे पेड़ के नीचे बैठने से सुकून मिलता है और शांति शांति सा महसूस होता है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, शांति भी इतना भी नहीं है। मैं अशांति हो चुकी हूँ घर में, सॉरी। अभी रूम पे सुमित सो रहे हैं, उसे पता नहीं है मैं उसके साइड से मैं भाग के बाहर आ गई हूँ। उसे कुछ भी पता नहीं है कि मैं सोई नहीं हूँ, वो सो रहा है पर उसी के बच्चा खेल रहा है ना, इसीलिए सो रहा है। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे सो रहा है। बेचारा को पता भी नहीं, बेचारा को पता भी नहीं है कि मैं उसके साइड में नहीं सोई हूँ, उठ के आ गई हूँ। जो लूंगी है ना गिर गया है, वो उठाने के लिए आई थी और बस अभी बैठूंगी इधर क्योंकि रूम के अंदर बहुत गर्मी है, भयानक वाला गर्मी है। ऐसा लग रहा है ना फोड़ा या कुछ निकल आएगा, इतना गर्मी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कुछ प्लांट्स। ये देखिए, ये है आम का, जो आम खा के हम दोनों उसका जो गुठली है ना फेंक दिया था, उधर से आम निकला है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और उधर देखिए मनी प्लांट का, ये चलो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए साजन का पेड़, हम लोग सोजना बोलते हैं हिंदी में, इसे साजन का पेड़ ही बोलते हैं शायद, आई होप। ये देखिए कितना अच्छे से निकल आया है। इसके बाद ये देखिए ऑरेंज का, ये है कोमला लेबू जो बोलते हैं बंगाली में, उसका पौधा निकला है दो, बहुत सारे, इधर एक इधर एक इधर उधर बहुत सारे। और ये देखिए बहुत सारे मैंगो का छोटा छोटा बेबी बेबी, एक दो तीन चार पांच, बहुत सारे मैंगो का। ये देखिए मनी प्लांट, और ये देखिए हम लोग का बनाना, और ये बाहरी पेड़ का है। और ये देखिए हमारा जो एलोवेरा का जो प्लांट था, ये देखिए मैंने लगा दिया है, आई होप ये बच जाए, बच जाए तो अच्छा है। और ये रहा पाम ट्री, बस बचा कुचा यही कुछ पौधा है जो अभी तक बचा हुआ है, सूख गया ये सब। अच्छा लग रहा है मुझे। और वो देखिए पानी गिर रहा है इधर से, मैंने सुमित को बार बार बोला है बाबू उसको ठीक करा लो, पानी बहुत बर्बाद हो रहा है, किसी का चार ही नहीं है ठीक कराने के लिए। आप सब क्या क्या कर रहे हो बताना ज़रूर। समर में आप स्किन का बहुत ख्याल रखिए क्योंकि समर में ना आप लोग का स्किन बहुत वीक हो जाते हैं। मैं स्किन का ख्याल रखती, ऐसा नहीं कि समर में कुछ ख्याल रखने के लिए आपको कुछ खरीदना पड़ेगा या पैसा खर्चना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समर में आपके घर में ही मौजूद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने स्किन का ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि हर किसी के घर में फ्रिज होता है, फ्रिज का जो आइस क्यूब होता है उसको एक कपड़े में लीजिए, उससे अपने फेस को 2 से 3 मिनट तक ऐसे ऐसे रख लिए
क्या बोलते हैं, रगड़ नहीं तो बोलते हैं ना, ऐसा पूरा फेस पे फैलाइए, उसके बाद फिर हटा दीजिए, फिर 2 मिनट के बाद ऐसे रहे, एकदम से ना मत करें क्योंकि स्किन थोड़ा सा ये होता है ना, सेंसिटिव होता है, तो 2 मिनट बाई 1 मिनट आप जितना देर तक सह सकते हैं आइस का जो कूलनेस जो होता है वो सह सकते हैं, उतना देर तक आप इसको रफ करके फेस पर ये कर सकते हैं, एक वाला। दूसरा है ये है कि कच्चा हल्दी आप पेस्ट बनाकर फेस पे लगा सकते हैं। तीसरा है मुल्तानी मिट्टी, मिलता है दुकान पे, कहीं पे मिल जाते हैं, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाइए। उसके बाद ये भी ना हो तो आपके किचन में बेसन रहता है, बेसन का भी एक लेप लगा लीजिए। ये सब छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ें होता है घर में जो मिलता है, इससे भी ये सभी चीज़ों से आप अपने स्किन का ख्याल रखिए, क्योंकि ये समर में ना स्किन में टैन पड़ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, खाना बनाते बनाते भी स्किन में टैन पड़ जाता है, सब धूप में निकलने से ही टैन पड़ता है, ऐसा नहीं खाना बनाने के टाइम जो गैस का जो हीट आता है ना उससे भी स्किन टैन पड़ जाता है, मेरा तो बहुत पड़ता है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं जैसे टिप्स यूज़ करती हूँ, मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, तो वैसे ही। और बताइए आप सब कैसे हैं, मैं तो हूँ ही ऐसे ही। और आप सबका दिन कैसा जा रहा है, समर में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या प्लानिंग है बताना ज़रूर। लॉकडाउन भी आ रहा है, प्लानिंग करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत सारी जगह में लॉकडाउन स्टार्ट भी हो गया है, हम लोग के यहाँ पर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन लगता है 2 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगा इधर भी। प्यारा प्यारा हवा दे रहा है, फैन के हवा से तो ये नेचर का हवा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अभी, कैसा लग रही है बुढ़ी की तरह ना, बुढ़ी लग रही हूँ ना, लगने दो, गर्मी के कारण कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मेकअप शेकअप करने का, और मेरा बेबी लिप बाम भी ख़त्म हो चुका है, वो भी मुझे लेना है, पानी गिर रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैं नहा लूँ, और देखिए कोयल, कितना अच्छा लगता है ना ये सब सुनने में पेड़ के नीचे बैठ के। बात बात पे ना मुझे रोना आ गया, प्रीति के बारे में याद आ रहा है, प्रीति के नाम बच्ची बहुत कुछ कुछ चीजें ऐसा होता ना कभी दिल से नहीं मिलता है। चलो सुमित को थोड़ा सा उठा देते हैं, अकेला अकेला अच्छा नहीं लगता। प्रीति को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस, प्रीति को इतना मिस करती हूँ ना, जी कहाँ होगा पता नहीं। बाबू ये देखिए पसीना से पूरा भीग गया है फर्स, उठ गया तुम ही जानो ना मैं तुम्हारे पास तक उठे की पापा तो मैं बाहर बसा थी वेलकम बैक टू माय चैनल, फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। दोस्तों ये देखिए किसको मैं लेके आ गई हूँ नींद से उठाकर, सो रहा था मैंने, देखिए कितना पसीना पसीना से पूरा लोथपोथ हो चुका है, पूरा पसीना से सो रहा था बेचारा, मैंने उठा के लेके आ गई हूँ, जिस जगह पर सो रहा था ना उस जगह पर पूरा नमक वाला जो पानी होता है ना फेंक देने से जैसे सूख जाने के बाद कैसा खरा जैसा हो जाता है वैसा हो गया है, पूरा फर्श पे रेड फर्श पूरा वाइट हो गया है ऐसा, तो मैंने बोला बाबू चलो बाहर जाके बैठते हैं। तो इसी बाबू आज बताओ लंच में कैसा बना था परवल आलू की सब्जी, बहुत अच्छा बना था परवल का सब्जी, उसमें थोड़ा हम सोच रहे थे थोड़ा जो मटन वटन का है ना, मटन का चर्बी हो या
मटन का जो पीस हो उससे खाना पकाते तो और भी लाजवाब हो जाता। ऐसे अच्छा हुआ उसमें वो हो जाता तो क्या बोलते हैं ना, वो क्या बोलता है, सोने पे सुहागा। हाँ, सोने पे सुहागा हो जाता। बोल रहा था पटल की परवल का जो सब्जी है ना वो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन उसमें अगर मटन का चर्बी बोलते हैं वो चर्बी या मटन का पीसेस अगर दे दे तो और भी अच्छा लगता खाने में। मुझे लग रहा था उसमें छोटा जो बेबी श्रिम होता है वो देने से और ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मैंने उसे सुबह बोला भी था कि बाबू तुम श्रिम मिलेगा तो तुम लेके आना, तो उसे नहीं मिला तो लेके नहीं आ पाए, तो इसीलिए मैंने नॉर्मली नॉर्मल बनाया है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से राइस का, मैं जब भी एक सब्जी बनाती हूँ ना मुझे टेंशन हो जाता है कि अच्छा नहीं बनेगा तो अगर नहीं खा पाएगा तो राइस भी बच जाएगा, बहुत मुझे एक टेंशन रहता है। उसके साथ अगर भाजी वगैरह दाल वगैरह बना लेती हूँ ना उतना टेंशन नहीं रहता है, और एक सब्जी जब भी बनाती हूँ मुझे बहुत टेंशन रहता है कि खाएगा कि नहीं खाएगा। अभी थोड़े देर तक बैठेगा फिर नहाएगा सुमित, तब मैं पेड़ पौधे में पानी भी दे दूँगी जो है, और जो एलोवेरा जो प्लांट था किसने उखाड़ दिया अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे फादर इन लॉ ने या मम्मी जी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। सुमित ने नहीं उठाया है, बोला है उन लोगों ने माना भी नहीं कि उसने नहीं किया और बोला भी नहीं कि मुझे पता नहीं, जैसे भी हो तो मैंने तो फिर से उसे लगा दिया है। मुझे लगता है वो हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है, सड़ भी जा सकता है क्योंकि बहुत दिन कब उखाड़ के फेंक के रख दिया था मुझे पता भी नहीं चला। मुझे एक दिन नोटिस किया फिर मुझे पता चला, तब जाके मैंने उसे लगाया है। और पानी आ गया, बाबू नहा लो। बहुत श्रीरामपुर में अभी भी लॉकडाउन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जगह लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। नहीं चालू तो होना ही है। कहाँ आवाज मिला है भाई, कहाँ बम बस्त हुआ। बात कर रही हूँ, बात के बीच में बदबू। आज तू तो बस्त है भाई। ना लागवे। आज क्या जान लागते। ऐसा लग रहा है बुढ़ी जैसे लग रही हूँ माँ, ये नाइटी मुझे एकदम पसंद नहीं है, एकदम पहचान। कितना वेट है सुमित, बब गाय गामछा दाओ। मैं हूँ। ये मेरा बेबी है। मैं हूँ। ये मेरा दिल है। दिल सुमित को नहीं लूंगी मैं कैमरा में, बहुत गंदा गंदा चीज हरकत करते हैं। तो देखना तो शांति नहीं बिकेले पर हैवी शांति ऊपर छाते छाते क्या सुहार हो जाएगा सब जगह। हमें हर तो गरम का लाइस ऊपर ही सोता। हम लोग रात में ना जब पीती थी तब प्रीति मैं सुमित और मम्मी सोते थे ना सब एक साथ, मॉस्किटो जो नेट होता है वो लगाकर हम सब छत पे सोते थे, बहुत मस्ती होता था। लेकिन सब मस्ती कहाँ चला गया, मैं फेस में ना आप सबको सामने ना दिखाती हूँ मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कैसे रहती हूँ सुमित के सिवा कोई नहीं जानता मैं किस हाल में हूँ, मेरा अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। जितना मुस्कराती हूँ ना उससे ज़्यादा मैं रोती हूँ। सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक बात था तो जो प्रीति है ना तो उसके लिए बहुत कुछ था, प्रीति मायने रखते उसके लिए, तो उसको एक साइड का जो ये होता है ना वो दस गया है उसका, मतलब वो सब कुछ प्रीति सब कुछ था, मम्मी पापा दोस्त सब कुछ प्रीति ही था, और वो अभी मम्मी मायके के उधर उतना नहीं जाता है इसलिए प्रीति नहीं है इसलिए। हाँ मुझे क्या? अच्छा नहीं लगता जाने, लेकिन मम्मी बोलती है आओ आओ। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि देखा है ना तो ऐसा हो गया ना, कैसे क्या हो गया ऐसा हो गया। चलो ये सब बातें मत करते हैं टॉपिक में, अगर टॉपिक में लग जाऊंगी तो रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा।
पौधे में पानी देना मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं घर का फिर से झाड़ू लगाकर फिर जाऊंगी नहाने, फिर नहा धोकर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए मेरा बाहर का काम निपटा लिया है। सब्जी लाने के लिए ये देखिए इधर सब्जी लाकर रख दिया है। अभी रात के 9:05 हो चुका है, तो फटाफट से सब्जी निकाल लेते हैं बैग से। क्या क्या है, पुई साग, हिमचा, बैगन और ये नींबू, ऑनियन, टमाटर, आलू और ये केला का फूल, मोचा और सब कुछ नहीं निकालूंगी अभी, ठीक है। दिखा दिया मैंने क्या क्या सब्जी लेके आई हूँ। फ्रेश हो जाती हूँ, फ्रेश होकर कपड़ा चेंज करके फिर बैग से सब्जी को निकाल कर रखती हूँ।